हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी लांबा ब्लॉग्स में हम फिर से मिल रहे हैं। बट और नई जर्नी के लिए हम लोग सब लोग रेडी हैं, ठीक है। और अभी मैं ही हूँ राइट नाउ पठानकोट, और मैं पठानकोट से निकल रही हूँ अमृतसर के लिए। एक्चुअली मैं कल ही पठानकोट आ गई थी, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि दिल्ली टू मेरा कुछ प्लानिंग नहीं थी, तो मेरे को यहाँ पर आके मिला सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है मेरे लिए कि हम यहाँ से अमृतसर जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं हम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल। और ये है सीरत। सीरत से हाय। और ये कितने क्यूट से बच्चा है। और अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के रेडी। और ये है हमारी कार, और चलते हैं गोल्डन टेम्पल। मैं पहुंचती हूँ अमृतसर की गलियों में, और मेरे लिए ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि मैं बाय बॉर्न अमृतसर से हूँ बेसिकली, तो दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज। मामू ने सरप्राइज दिया कि हम लोग निकल कहीं और रहे थे और चलते हैं अमृतसर। तो पठानकोट के बाद मैं पहुंचती हूँ अमृतसर की गलियों में। ये है जलियांवाला बाग, और ये है इसका अंदर का गेट अंदर जाने के लिए। हो रही है इस टाइम पे रात, तो इसलिए क्लोज है। और ये नज़ारा है सामने का, और इन गलियों से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। चलो चलते हैं फिर गोल्डन टेम्पल। और ये है यहाँ की रौनक जो इस टाइम आप अभी देख रहे हैं, कितनी रौनक है गोल्डन टेम्पल के लिए जाने के लिए। वाओ। हेलो सिद्धार्थ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके बताओ? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद और जा रहे हैं, ये भी तो बता दो। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। ओके। हेलो सीरत, कैसा लग रहा है और कहाँ जा रहे हो आप? हाँ हाँ, कितना अच्छा, कितने एक्साइटेड हो जाने के लिए बताओ। चलो जल्दी जल्दी हम अंदर चलते हैं फटाफट। हम सब पहुँच गए हैं गोल्डन टेम्पल के बाहर और जाने वाले हैं दर्शनों के लिए। और ये है गोल्डन टेम्पल। वाओ, सुकून है यहाँ। और ये है यहाँ का नज़ारा, और कितना सुकून है। मैं जब भी गोल्डन टेम्पल आती हूँ ना, तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मन करता है मैं यहीं पर ही रह जाऊं। ये मेरा सुकून है ना, जन्नत है ना, सुकून। मैं पूछ चुकी हूँ गोल्डन टेम्पल, और मेरे पीछे ये गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो सिद्धार्थ कैसी वाइब्स आ रही है? बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। बुलाना था बाबा जी ने और बुला लिया। लास्ट टाइम मैं बाहर से होकर चली गई थी, और इस बार ही अपने पास उन्होंने बुला लिया मुझे। सीरत आप कुछ बोलना चाहोगे? साइलेंस, साइलेंस, प्लीज। वाओ, थैंक यू बाबा जी कि आपने आपने हमें बुलाया, राइट? और जो ये ईंटें आप देख रहे हैं, जब ये गुरुद्वारा बना था ये तब की ईंटें हैं। ये है दुख बंजनी बेरी। यहाँ पर जो भी कष्ट है आप स्नान करो और अपने कष्ट दूर करो, ये बाबू जी ने भी हमें सिखाया है। और ये तैयारी हो रही है बाबा जी की पालकी की। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम
हमने दर्शन कर लिए हैं और मज़ा आ गया बाबा जी के दर्शन करके। कहते हैं ना, जब गुरु मिल जाए तो रूप गदगद हो जाती है, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को। थैंक यू बाबा जी। तो कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है। गुरु रामदास जी नगरी आके 10 साल बाद से तन तन गुरु रामदास, तन तन गुरु रामदास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और अब चलते हैं गुरु का लंगर करने के लिए। सारी जर्नी के बाद और मैं पहुंच गई हूँ अब घर, और रात के बज रहे हैं 2:30। और आज का डे था सुकून, क्योंकि सुकून इसलिए क्योंकि आज हम गोल्डन टेम्पल होकर आए हैं, तो इतने प्यारे से दर्शन हुए और मज़ा आया दर्शन करके बहुत। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में कुछ नए कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू।